कन्हैया कुमार के प्रबुद्ध भारत वाले बयान पर सोशल मीडिया में चल पड़ी है वैचारिक बहस। बाबा साहेब के बाद प्रबुद्ध भारत पर सबसे अधिक संबोधन करने वाले लीडर विजय मानकर के साथ कन्हैया के प्रबुद्ध भारत वाले बयान का होने लगा तुलनात्मक अध्ययन। हमको लगता है कि आज हम इस दौर में हैं कि हमको शोर शराबे की जरूरत नहीं है, हमको चिल्लाहट की जरूरत नहीं है, शांत होकर के, संगठित होकर के, शिक्षित होकर के हमको एक प्रबुद्ध भारत के निर्माण की जरूरत है। एक तरफ लोग कहते हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कहते हैं कि उसके बरक्स आप लोगों को कहना चाहिए कि भारत को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा जरूरी है, दूसरी तरफ आप कहिए ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी और भागवत जी, आपकी हिस्ट्री, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत कमजोर है और आजकल आपको दिन में सपने आने लग गए हैं, और दिन में सपने आना अच्छी बात नहीं होती है। मैं फिर आपको हिस्ट्री की और कल्चर को रिमाइंड कर रहा हूं, भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत यदि कुछ था तो वो प्रबुद्ध राष्ट्र था और प्रबुद्ध राष्ट्र ही रहेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। नागपुर में बहुजन विचार मंच के कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन में पहली बार प्रबुद्ध भारत की बात कही। उनके इस संबोधन के बाद बहुजन विचारकों के बीच सोशल मीडिया पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर द्वारा प्रचारित नया भारत प्रबुद्ध भारत की तुलना का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें कुछ विचारक कन्हैया के प्रबुद्ध भारत वाले संबोधन को एक प्रकार से अम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप बता रहे हैं, लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी है जो उनके इस बयान को अपूर्ण विचारधारा का पार्ट बता रहे हैं। वे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर को ही सही मायने में नया भारत प्रबुद्ध भारत की नीतियों के अनुरूप कार्य करने वाले लीडर मान रहे हैं। इसी को लेकर ई न्यूज ने सोशल मीडिया पर जारी इस वैचारिक बहस के मद्देनजर एक रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कन्हैया कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने प्रबुद्ध भारत की बात कही है। हमको लगता है कि आज हम इस दौर में हैं कि हमको शोर शराबे की जरूरत नहीं है, हमको चिल्लाहट की जरूरत नहीं है, शांत होकर के, संगठित होकर के, शिक्षित होकर के हमको एक प्रबुद्ध भारत के निर्माण की जरूरत है। एक तरफ लोग कहते हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कहते हैं कि उसके बरक्स आप लोगों को कहना चाहिए कि भारत को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा जरूरी है, दूसरी तरफ आप कहिए ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। अब आपको दिखाते हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के कुछ ऐसे बयान जिसमें उन्होंने प्रबुद्ध भारत की बात कही है। सिविल नेशन में कौन से धर्म का व्यक्ति है, क्या ब्लड मिक्सिंग हुआ है, क्या क्लैन है, ये मायने नहीं रखता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, क्या उसकी नागरिकता है, ये मायने रखता है। तो मैं समझता हूं कि भारत कॉन्स्टिट्यूशनली ये सिविल नेशन है और कल्चरली भी ये हिंदू नेशन नहीं है, ये प्रबुद्ध नेशन है, एनलाइटेंड नेशन है। यहां मानवता के आधार पर सारे लोग रह सकते हैं, यही हमारा मानवतावादी कल्चर है, एनलाइटेंड कल्चर है। इसलिए भागवत जी से मैं कह रहा हूं कि दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था ना कभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये पहले से प्रबुद्ध राष्ट्र था और ये प्रबुद्ध राष्ट्र है और प्रबुद्ध राष्ट्र ही रहेगा। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी आप न्यू इंडिया पे 2019 का चुनाव लड़ोगे, मैं भी न्यू इंडिया पे ही 2019 का चुनाव लड़ने वाला हूं, लेकिन आप हिंदू इंडिया पर लड़ रहे हैं, मैं एनलाइटेंड इंडिया पे, प्रबुद्ध इंडिया पर भी साथ में लड़ रहा हूं। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना कि एक दिन भागवत पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, ये प्रबुद्ध राष्ट्र है, ये बोलेंगे, आप ध्यान में रख ले। तो ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं, तो वो क्या कल्चर का झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सब आपको अभी समझा नहीं सकता मैं, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो हमारे नागो असुर ने बनाई है और भारत ये प्रबुद्ध राष्ट्र है, यह मानवता से, समानता से सबको रहने का अधिकार है और इसको हम कभी हिंदू नेशन बनने नहीं देंगे। ये हिंदू नेशन इज एन एनक्रोचमेंट ऑन द प्रबुद्ध नेशन, इसको हम हटाएंगे और भारत प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ। तो यही वो बयान है जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुजन विचारकों के बीच वैचारिक बहस जारी है।
आपको बता दें कि कन्हैया ने जो प्रबुद्ध भारत की बात कही है वह एक प्रकार से उनका बहुजनों के बीच में साझा किया विचार है, जिसमें वे लोकतंत्र और संविधान के परिपेक्ष में इस तरह की बातें करते नजर आए। लेकिन विजय मानकर के नया भारत और प्रबुद्ध भारत का विजन इससे काफी अलग है, जिसमें बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत की संकल्पना तो शामिल है ही, साथ ही उनका स्वयं का आविष्कार भी इसमें शामिल है। दरअसल विजय मानकर के द्वारा वर्ष 2006 में संयमबस के निर्माण के बाद से ही अंबेडकरवाद की नीतियां और संविधान एवं मानवाधिकारों का देश भर में प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने संघ बनाने के बाद सबसे पहले संविधान दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने का कार्य शुरू किया, जिसके तहत कई राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए। आखिरकार 26 नवंबर को जहां पहले कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था, उसे 2014 में संसद के माध्यम से संविधान दिवस की कानूनी मान्यता मिली। आज ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन डे और ह्यूमन राइट्स डे का जॉइंट सेलिब्रेशन है, और ये केवल संविधान दिवस का प्रोग्राम नहीं है, ये संविधान दिवस और मानवाधिकार दिवस का जॉइंट सेलिब्रेशन है। और ये जॉइंट सेलिब्रेशन करने वाली अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, ये देश की पहली पार्टी है, नहीं लगेगा, ये देश की पहली पार्टी है। पिछले साल हमने इसका जॉइंट सेलिब्रेशन पहली बार स्टार्ट किया। वैसे संघ एम्बस जो हमारा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 2008 में जिस साल बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, सेम दिन हम देश में पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की शुरुआत की। ये बात और है कि आजकल लोग गली गली में भी मनाते हैं, मनाना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन गलियों से नहीं होता, ये बात समझने की जरूरत है। जो लोग सोचते हैं कि गलियों से कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता निकलता है, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को करेक्ट करना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सब जानते ग्रेट है, इसलिए ग्रेट है ना केवल क्योंकि वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, पर इसलिए ग्रेट है क्योंकि इंडिया की तमाम डाइवर्सिटीज, जिसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज के साथ साथ कास्ट और कल्चर की डाइवर्सिटीज थी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी थी, ये तमाम डाइवर्सिटीज को हार्मोनाइज कर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाने का जो है वो काम भारत के संविधान ने किया। और मैं समझता हूं इस मायने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 8-10 ऐसे प्रोविजन है जो एक साथ आपको दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे। कौन से वो प्रोविजन है जो एक साथ दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको नहीं मिलेंगे? वो है चार प्रिंसिपल्स जिसको प्रीएम्बल में हमने प्रोक्लेम किया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। इसके साथ बड़ा महत्वपूर्ण डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का सिद्धांत हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसका जिक्र अक्सर हम करना भूल जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की फिलॉसफी से आया हुआ है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरलिज्म है, संघीय प्रणाली है, इसके साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंडिपेंडेंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस है। इसके साथ साथ में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोविजन है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और मैं समझता हूं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स जो है वो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में लाने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है रिजर्वेशन के अलावा। तो यदि आप इन तमाम चीजों को यदि मिला लेते हैं, ये 8-10 तमाम चीजों को यदि आप मिला लेते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसी कड़ी में विजय मानकर ने संवैधानिक और मानवाधिकारों को मजबूत आधार बनाने के लिए साल 2013 में एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसके बाद उन्होंने अम्बेडकरिज्म के आधार पर दुनिया भर के महानतम विचारकों को पढ़ने के बाद कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। ऐसा माना जा रहा है कि विजय मानकर के आविष्कार बाबा साहेब के बाद पहली बार किसी अम्बेडकराइट एवं बहुजन लीडर ने किए है। उन्होंने वर्ष 2016 से संविधान दिवस के साथ ही मानवाधिकार दिवस को सेलिब्रेट करना शुरू किया और लोगों को इसका महत्व समझाने का प्रयास भी किया, जो आज भी निरंतर जारी है। गौरतलब है कि विजय मानकर भारत के पहले ऐसे लीडर है जिन्होंने नया भारत प्रबुद्ध भारत की नीतियों के साथ अम्बेडकरवाद की नीतियां और उससे आगे जाकर अनेक अंगों मग्गों की बात कही है। साथ ही उन्होंने इतिहास और संस्कृति से जुड़े कुछ विषयों पर भी गंभीर अध्ययन के बाद प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड को प्रचारित करते हुए इन मार्गों से प्रक्रिया के आधार पर वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से प्रबुद्ध विश्व के निर्मिति की भी योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा मार्ग प्रशस्त कर रखा है, जिसके अंतर्गत चार्टर, पिटीशन, आरटीआई, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन और चुनाव लड़कर देश में आमूलाग्र उपरोक्त परिवर्तन लाने जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल है। यही वजह है कि आज कन्हैया कुमार के प्रबुद्ध भारत वाले बयान पर बहुजन विचारकों में विजय मानकर का जिक्र सर्वविदित और व्यापक बना हुआ है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि विजय मानकर के प्रबुद्ध भारत को लेकर किए जा रहे व्यापक प्रचार से ही अभिप्रेत होकर कन्हैया कुमार को प्रबुद्ध भारत की बात समझ में आने लगी है। गोंड है, मुंडा है, ये सबसे एंशियंट ट्राइब थे, इसलिए वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को और जियोलॉजिस्ट को लगा कि इसका नाम क्या देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसको गोंडवाना लैंड कहा। और मेरा एक सपना है कि जिस दिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनेगी, मैं आर्टिकल 1 को अमेंडमेंट करने वाला हूँ, इंडिया दैट इज भारत ना रखते हुए इंडिया दैट इज प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड लिखने वाला इंडिया दैट इज भारत ना लिखते हुए इंडिया दैट इज भारत ना लिखते हुए इंडिया दैट इज प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड लिखूंगा। क्योंकि भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, वो क्यों आया, कैसा है, इस पे आज मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन एक फैक्ट है कि भारत भी आर्यन नेम है और जो जो आर्यों का है उसको हमको सबको रिजेक्ट करना है, क्योंकि गुलामों का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म और संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसलिए जो आर्यों का है वो हमारा नहीं हो सकता, जो नागों का है, जो असुरों का है, जो मुंडाओं का है, जो गोंडों का है, जो आदिवासी का है, जो दलित का है, जो ओबीसी का है, वही हमारा कल्चर होगा, वही इंडिया होगा। ये काम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया करने वाली है और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है और ये काम को आपको 2019 के आगे और बड़े पैमाने पर आपको देश में देखने को मिलेगा।